हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू RGAD कॉमर्स क्लासेस। एज वी हैव स्टार्टेड अवर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी फॉर्म एन लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल लॉ और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग व्हाट आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर वन, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द टर्म एग्रीमेंट, ये डेफिनेशन मैं बता देती हूँ फिर बताती हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जो टर्म एग्रीमेंट है सेक्शन 2 क्लॉज ई में दिया गया है, वो ऐसे डिफाइन किया गया है, उसका मतलब ये है कि एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, मैंने बताया प्रॉमिस के बारे में पिछली वाली वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ देख लीजिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, जितने जो प्रॉमिस हो या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ए ने बी को प्रॉमिस किया या फिर ए ने किसी को भी प्रॉमिस किया, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस मतलब एक से ज़्यादा प्रॉमिस, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो बी ने बोला येस आई एग्री, तो वो प्रॉमिस हुआ, फिर बी की सहमति थी, बी का कंसिडरेशन था। पिछली वाली वीडियो से रिलेट कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसलिए पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बी की कंसिडरेशन थी, सहमति थी, फिर वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना, लीगली इन्फोर्सेबल हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये बताता है एग्रीमेंट के बारे में। ठीक, ये डेफिनेशन क्लियर। ठीक, हम देखो हमारा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ए और बी के बीच में हमारी लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब जो लॉ के द्वारा मान्य हो, है ना, ऐसा कुछ अनलीगल नहीं होना चाहिए, फ्रॉड और इस टाइप से अंडर इन्फ्लुएंस इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हो। ठीक, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी, फॉर एग्जांपल ए ने बी को बोला, मतलब दोनों की इक्वल कैपेसिटी होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। दो लोग कभी कब कोई चीज़ सहमत होते हैं, या दो लोग थिंकिंग में भी कब सहमत होते हैं, जब दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों की थिंकिंग मिलती है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की कैपेसिटी अगर मिलेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी, है ना। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़, फिर हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं जब हम कोई भी वर्क करते हैं या किसी वर्क में इंटर होते हैं, है ना, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़रूरी हैं। फिर नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, वाइड मीन्स नल कॉन्ट्रैक्ट, ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स कि हमारा जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नल या ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि उसमें लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है, अंडियो इन्फ्लुएंस होता है ना, मतलब फ्रॉड होता है या धमकी से, हम ए ने धमकी से बी से काम करा, तू बोल रहा है बी से कि आप ये अगर मेरा प्लॉट नहीं लोगे, इतने में मुझे प्लॉट नहीं दोगे, कुछ भी है, तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाइड, ये लॉफुल कंसिडरेशन कहाँ हुआ, तो ये बोलते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड बोलते हैं। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली चीज़ें देखी जाती हैं कि चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ए ने बी से बोला मैं तेरे लिए चांद तारे ला दूँगा, तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो ये भी चीज़ देखी जाती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग से मतलब ये है, ए ने बी से बोला मैं आपको 100 kg ऑयल डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, अब ए ने बी को बोल तो दिया कि मैं ऑयल डिलीवर कर दूंगा, अब उसने ये नहीं बोला कि कितना लीटर वो ऑयल लीटर, तो चलो ठीक है बता दिया उसने, बट ये नहीं बताया कि वो कौन सा ऑयल डिलीवर करेगा, रिफाइन ऑयल और कोकोनट ऑयल, हाँ, या फिर कोई भी कौन सा ऑयल डिफाइन करेगा, तो वो सर्टेनिटी नहीं है मीनिंग में। अब वो बी सोच रहा हो रिफाइन ऑयल करेगा, उसने कोकोनट ऑयल कर दिया, है ना, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ठीक, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारा होना चाहिए, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं ना, वो लॉफुल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है हम कुछ ऐसा
फ्रॉड वाली चीज़ का डील कर रहे हैं या हमने कुछ चुराई हो चीज़ फिर वो हम बेच रहे हैं, इस टाइप से भी नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए का बी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये फ्री कंसेंट है, मतलब दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। फिर ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ऑफ़र ए ने बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया तब तो वो वैलिड होगा। अब बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है अंडू इन्फ्लुएंस हो सकता है फ्री कंसेंट ना हो सकता है कि मीनिंग सर्टेनिटी ना हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। आई होप ये इतना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी है, फ्री कंसेंट दोनों की सहमति जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट जरूरी है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए कौन सा ऑयल क्या भेज रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, चांद तारे तोड़ना इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो कभी हो नहीं सकती हैं, ठीक है। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड नहीं होना चाहिए, नल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमारी होनी चाहिए, उसमें कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी देखनी चाहिए, ए और ए बी को अगर सेल आउट कर रहा है बी की कैपेसिटी है या नहीं, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब लॉ द्वारा मान्य होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और ए का बी से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, अनलीगल फ्रॉड वॉइड अंडू इन्फ्लुएंस कोअर्शन इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको एक वीडियो और मे भी मिल जाए या कल मिलेगी या तो शाम रात तक मिल जाएगी वीडियो एक और आपको, जिसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाली वीडियो भी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे लॉ में मतलब थोड़ी भी प्रॉब्लम है वो बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे समझ में आ जाएगा। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।